You're a superhero. हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, मैं मुजफ्फर इकबाल और आप इस वक्त देख रहे हैं को कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गए इस फैदर के आइकन को कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे, और उसके बाद गए इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, इसको जूम आउट कर लेंगे, और उसके बाद गए इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गए की के आइकन पर क्लिक करना है तो गए की के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गए इस वीडियो को कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गए इस वीडियो को कुछ इस तरह से रोटेट कर लेंगे और उसको यहां पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गए इस वीडियो को कुछ इस तरह से और मूव कर लेंगे, और उसके बाद गए इस इमेज को भी कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गए इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद गए इस वीडियो को फिर से कुछ इस तरह से मूव करेंगे, और उसके बाद गए इस इमेज को भी गए यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से, और उसके बाद गए इसको सेंड टू बैक करना है तो थ्री डॉट के आइकन पर क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद गए सेंड टू बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद गए इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गए फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गए मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गए यहाँ से पीएनजी इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद गए इसको जूम इन करेंगे कुछ इस तरह से, जूम इन करने के बाद गए इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गए इसकी ड्यूरेशन भी बैकग्राउंड के बराबर कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गए की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
किए के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस वीडियो को कुछ इस तरह से मूव करेंगे और उसके बाद गाइस इस इमेज को भी कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद गाइस इस वीडियो को कुछ इस तरह से और मूव करेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद गाइस इस इमेज को भी कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस इसको कट करना है तो कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइस यहां से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद गाइस इसको रोटेट करना है तो यहां से रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद गाइस यहां से इसको रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद गाइस इसको जूम इन करेंगे और उसके बाद गाइस इसको यहां पर एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद गाइस करना क्या है की के आइकन पर क्लिक कर लेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद गाइस इस वीडियो को कुछ इस तरह से मूव करेंगे और उसके बाद गाइस इस इमेज को भी कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस करना क्या है करेंगे और उसके बाद गाइस इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद गाइस इस वीडियो को फिर से मूव करेंगे और उसके बाद गाइस इस इमेज को फिर से इस फ्रेम में एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद गाइस इसको सेंड टू बैक करना है तो थ्री डॉट के आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइस यहाँ से सेंड टू बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। सेंड टू बैक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इसको डन करेंगे। डन करने के बाद गाइस फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां से एक और इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद गाइस इसको डिक्शन भी बैकग्राउंड के बराबर कर लेते हैं और उसके बाद गाइस इसको रोटेट करना है तो रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइस यहां से प्रेस कर लेंगे। रोटेट करने के बाद गाइस इसको डन करेंगे। डन करने के बाद गाइस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां से एक और इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको
रिशन भी बैकग्राउंड के बराबर कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इसको जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद गाइस इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस लेयर कैप्शन में क्लिक करेंगे, और उसके बाद मीडिया कैप्शन में क्लिक करेंगे। मीडिया कैप्शन में क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से एक और इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको क्रॉपिंग करना है तो यहाँ से क्रॉपिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस इसको क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस इसको कुछ इस तरह से जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद गाइस इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस करने क्या है इसकी ड्यूरेशन भी बैकग्राउंड के बराबर कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस फिर से लेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद मीडिया के आइकन पर क्लिक करेंगे। के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां से वैलेंट पीएनजी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद गाइस इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद गाइस इसको ड्यूरेशन भी बढ़ा लेंगे बैकग्राउंड के बराबर करेंगे। और उसके बाद गाइस करना क्या है की के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस इसको कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इसको सेंड टू बैक करना है तो थ्री डॉट के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस यहां से सेंड टू बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। सेंड टू बैक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इसको डन करेंगे। डन करने के बाद गाइस फिर से लेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद मीडिया के आइकन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां से एक टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, और इस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस यहां से वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद गाइस इसको ब्लेंडिंग करना है तो यहां से ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस यहां से स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इसका वॉल्यूम ऑफ करना है तो यहां से वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस यहां से इसका वॉल्यूम ऑफ कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ करने के बाद गाइस इसको जूम आउट करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इसको यहां पर एडजस्ट कर देंगे, और उसके बाद गाइस इसको सेंड टू बैक करना है तो थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद सेंड टू बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद गाइस इसको डन करेंगे। डन करने के बाद गाइस इसमें सॉन्ग वीडियो को ऐड करना है तो लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां से सॉन्ग वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद गाइस इसको यहां पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इसको ब्लेंडिंग करना है तो यहां से ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस यहां से स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस इसमें ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करना है तो लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां से वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद गाइस इसका ग्रीन कलर रिमूव करना है तो क्रोमा की के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद गाइस इसको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेंगे, और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस करना क्या है फिर से लेयर के आइकन पर क्लिक करना है, और उसके बाद मीडिया के आइकन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां से एक और टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद गाइस इसको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन करेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद गाइस इसको ब्लेंडिंग करना है तो यहां से ब्लेंडिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस यहां से स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद गाइस यहां से फ्लावर पीएनजी इमेज की लेयर पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां से फ्रंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हैं हमारा वीडियो किस तरह से क्रिएट हुआ है। तो चलें गाइस वीडियो को प्ले करते हैं। तो गाइस हमारा वीडियो कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है, तो उसके बाद गाइस इसको एक्सपोर्ट करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस यहां से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे।